हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि। हरे कृष्णा श्री राधे श्याम। तो श्रीमती राधा रानी की हम जो लीला सुन रहे हैं, उसमें हमने पहले कुंज भंग सुना, किस प्रकार कुंज भंग हुआ प्रिया प्रियतम का श्रृंगार। अब आगे लीला बढ़ती है। आज की जो लीला है वो है बांसुरी की बारिश। इसको कहते हैं बंसी बरखा, या फिर बंसी वर्षण, या फिर बंसी वृष्टि आदि आदि नाम से ये लीला जानी जाती है। इसमें क्या हुआ, आपने सुना था पिछली बार कि श्रीमती राधा रानी ने जब श्याम सुंदर के साथ रासलीला करी थी तो बंसुरी ले ली थी। तो अब श्रीमती राधा रानी बांसुरी को अपनी वक्ष स्थल पर अपने आंचल में छुपा के ले आई, और छुपा के ले आई तो अब आई हैं, उनको क्या पता था। जैसे ही वो सुबह आई अंदर, तो उसी वक्त वहाँ पर उनकी सास खड़ी थी और ननद खड़ी थी, जटिला कुटिला। जटिला कुटिला ने बोला, अरे इस कलंकिनी को देखो, इस कुल घटानी को देखो, ये अपने वक्षस्थल पर बांसुरी छुपा के लाई है। अरे जाओ जाओ, पूर्णमासी अम्मा को बुलाओ। पूर्णमासी देवी आप जानते होंगे अगर आप स्टोरी सुन रहे हैं कौन है, उनको बुला के लाओ। वो बोलती हैं बड़ा कि हमारी जो राधा है, हमारी जो बहू है, बड़ी सतीव्रती है, आप देखो उनके सामने इसकी सच्चाई बताएंगे। पूर्णमासी आई, और पूर्णमासी तो जानती हैं सब लीला की क्या है, बांसुरी कहाँ से आई। तो उन्होंने कहा, अरे जटिला तुझे पता भी है कल क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। के जले बांसी स्थले बांसी, बांसी वृक्ष डाले, पताये ते आछे बांसी, राधा राधा बोले, पताये ते आछे बांसी, राधा राधा बोले। जले बांसी स्थले बांसी, जले बांसी स्थले बांसी, मधुमाया श्री वृंदावने बंसी बरसन हुए छिलो, मधुमय वृंदावने जले बांसी सले बांसी। अरे तू बाहर जाएगी ना, जल में बांसुरी है, धरती पर बांसुरी गिर रखी है, पेड़ों पे बांसुरी है, पेड़ों के पत्तों पे बांसुरी है। अरे तेरे को पता है कल रात को बांसुरी की बारिश हुई थी। जटिला ने बोला, बुढ़िया अम्मा किसका पागल बना रही हो, कहाँ से आई बांसुरी की बारिश भी होती है भला कहीं। अरे हुई थी, भगवान की कृपा से तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो बेचारी हमारी लाडली के पास भी बांसुरी आ गई थी, तो क्यों उस पर उल्टा इल्जाम लगाती है। उनने बोला, अच्छा बांसुरी की बारिश हुई थी तो क्या और जगह ही गिरी है, राधा पे गिरी, हमारे हमारे कमरे में क्यों नहीं आई बूंदे बांसुरी की। जैसे पानी की बूंदे आएंगे वैसे बांसुरी की, अगर बांसुरी की बारिश हुई है तो बांसुरी गिरेगी, तो हमारे कमरे में क्यों नहीं आई। उनने बोला, अच्छा कमरे में नहीं आई तो चले देखते हैं। जब कमरे में गई और जैसे क्या हुआ, तकिया हटाया, तकिया हटाया जटिला का, तो जटिला के तकिया हटाया तो क्या हुआ, उस तकिए में से बांसुरी गिरी। अब पूर्णमासी अम्मा बहुत जोर का हंसी, अच्छा तुम बोल रही थी बांसुरी की बारिश नहीं हुई, चलो मान लिया बारिश नहीं, इसका मतलब तुम्हारा भी कहीं चक्कर श्याम सुंदर के साथ तो नहीं चल रहा। अरे ओ जटिले, तोरा एखोने ते मुरमुराली, एखोने ते मुरमुराली, ओ जटिला ओ कुटिला देखी मोरा मोरी लागे, ओ जटिला ओ कुटिला देखी मोरा मोरी लागे, एखोने ते मुरमुराली। मतलब लगता है तुमने भी अपना कुल का नाश कर दिया है, बहू तो कही थी पागल काले के प्रेम में, और तुम भी पागल हो गई हो श्याम सुंदर के प्रेम में। कुटिला ने बोला, हे भगवान ये क्या हो गया, आज तो मेरी माँ की पोल पट्टी खुल जाएगी। तो फिर पूर्णमासी अम्मा ने बोला, चलो मान लेते हैं कि बारिश हुई या नहीं हुई, तो लेकिन तुम्हारे पास बांसुरी कैसे आई। अब तो जटिला बोली, नहीं नहीं हुई होगी बांसुरी की बारिश। अब कुटिला ने बोला, राधा रानी की ननद ने, अच्छा बांसुरी की बारिश हुई है तो देख ले हमारे कमरे में आके, अगर मिल गई तो समझ लेंगे बांसुरी की बारिश हुई है, नहीं मिली बुढ़िया तो आज राधा रानी को देख लेना, अच्छी शिक्षा देंगे इसको कुल घटानी को। उसी वक्त क्या हुआ, अंदर आए हैं और ढूंढा तो मिली नहीं बांसुरी,
तो पूर्णमासी ने कहा, अरे राधा के वक्षस्थल पे बांसुरी मिली, तुम्हारी मैया के तकिए के नीचे बांसुरी मिली, बालिश के नीचे। अब तुम्हारी चद्दर उठा के देखते हैं, क्या पता चद्दर उठा के देखते हैं चद्दर में से बांसी मिल जाए। और उसी वक्त क्या हुआ, कुटिला तो अपनी जो चद्दर होती है बेड की उसको झाड़ने लगी, अपने विश्राम घर की चद्दर को। और क्या हुआ, अरे सज्जा धरे जतो झड़े ततो बांसी पड़े, जतो झड़े तते बांसी पड़े, रागे अंग जेले उठे झरे ततो बांसी पड़े, रागे अंग जेले उठे झरे झरे जतो बांसी पड़े। हद हो गई, बाकी जगह से एक दो निकली थी। और आज कुटिला ने जैसे ही अपनी चादर झाड़ी है, हे भगवान, उसमें से तो इतनी बांसुरियाँ निकली, ऐसी बांसुरियाँ निकली, ऐसी बांसुरियाँ निकली, पूछो हिम्मत। उनने बोला, हाँ मान गए बूढ़ी अम्मा, बारिश हुई हुई थी। अब चुपचाप वो तो गई। राधा रानी भी शयन में सो गई, क्यों जल्दी सुबह देखो, निशांत लीला हुई थी तो प्यारी जी ब्रह्म मुहूर्त में उठी थी, फिर आ गई, अभी इतनी जल्दी कोई नहीं उठेगा, तो आई हैं और सो गई अपने कमरे में जाकर अपने भवन में। और ये लीला, इससे क्या पता चलता है कि बात है भाई कि सही काचा पाका बाके ना, काचा पाका बाचे ना, जेड़ा के तर घरे जाए हृदय द्वारे खोल दिए, जेड़ा के शर घरे जाए काचा पाका वाके ना। पदकर्ता बोलते हैं कि देखिए, जटिला कुटिला श्याम सुंदर से चिढ़ती हैं, लेकिन तब भी उस चिड़न में भी वो नाम लेंगी। जैसे अब हम खाना पकाते हैं अनाज, अब अनाज हम चावल बनाया कुकर में, अब चावल बनाया तो सारे ही चावल तो पकेंगे ना, कोई कच्चा पक्का थोड़ी पकेगा। उसी प्रकार राधा रानी और ये सब चावल के ही समान हैं, लेकिन अब एक चावल पे अग्नि की प्रताप चढ़ रहा है प्रेम का, तो क्या ये बाकी जो दोनों हैं ये बच जाएंगी? नहीं, राधा रानी के प्रभाव से, राधा रानी की भक्ति के प्रभाव से इन पर भी श्याम सुंदर की कृपा अवश्य ही होगी। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी अब कमरे में सोने के लिए चली गई। अब इसके बाद हम सुनेंगे बड़ी ही मधुर लीला, जिसको कहते हैं रसोदगार। रसोदगार लीला बड़ी ही मधुर लीला है, क्योंकि ये लीला एक तरीके से हमें बाद में बताती है कि रासलीला में जो प्रेम उत्सव हुआ उसमें क्या क्या हुआ, तो वो हम श्रवण करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री राधे श्याम।